IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप सब देख रहे हैं IVTV। पटना के मशहूर कोचिंग टीचर गुरु रहमान समेत चार कोचिंग संस्थानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि इन चार कोचिंग संस्थानों के 8 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, जिसमें पटना समेत और भी दूसरे जिले शामिल हैं। दरअसल केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार बिहार में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और इन सब को लेकर के इन कोचिंग संचालकों पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने ही जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें भड़काने का काम किया, और इसकी वजह से ये केंद्र सरकार की रडार पर आ गए थे और अब इनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बता दें कि राजधानी पटना के अलावा मसौढ़ी, मुजफ्फरपुर, पुनपुन और आरा जिले में भी कोचिंग संचालकों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी। सोमवार की दोपहर शुरू हुई छापेमारी की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। इसमें शहर के प्रमुख कोचिंग संचालक रहमान सर भी शामिल हैं। अन्य कोचिंग संस्थान सेना, रेलवे, बैंकिंग समेत अन्य सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले हैं। कोचिंग संचालकों के आवास और कोचिंग सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करोड़ों की टैक्स चोरी की बात सामने आई है। गौरतलब है कि इनमें से कुछ कोचिंग संचालकों के खिलाफ सेना की अग्निपथ योजना को लेकर अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप है। इसे लेकर पहले से ही बिहार पुलिस इनके खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। इसके बाद तुरंत आयकर विभाग की कार्रवाई भी शुरू हो गई। हालांकि छापेमारी में इन सभी के पास टैक्स चोरी से जुड़े काफी कागजात बरामद हुए हैं। फिलहाल आयकर विभाग इन सभी कागजातों की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। इसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने के टैक्स की चोरी हुई है। बता दें कि गुरु रहमान समेत कई कोचिंग संचालकों के यहाँ आयकर विभाग का छापा हुआ है। इसमें से मोतियुर रहमान खान उर्फ रहमान सर एवं उनके पार्टनर मुन्ना प्रसाद के यहाँ छापा हुआ है। इनके संस्थान का नाम M सिविल सर्विसेज है। इनके खेमनीचक, नया टोला के गोपालजी मार्केट एवं बाजार समिति स्थित कोचिंग केंद्रों के अलावा रहमान सर के कदम कुआ, जगत नारायण रोड स्थित आवास पर भी छापेमारी हुई। सत्येंद्र कुमार एवं चंदन कुमार के यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इनका संस्थान त्रिशूल समेकित समाधान केंद्र प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन त्रिशूल कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है। इनके पुनपुन स्थित आवास एवं राजधानी पटना की बाजार समिति स्थित कोचिंग सेंटर में छापेमारी की गई। इनका मसौढ़ी में भी एक कोचिंग सेंटर चलता है। आरा में मौजूद विपिन पांडे के शिवा फिटनेस एकेडमी के ठिकाने पर भी कार्रवाई की गई। मुजफ्फरपुर स्थित RD फिजिकल एकेडमी के मालिक रंजन कुमार के आवास पर कोचिंग स्थानों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग की अब तक हुई छापेमारी में इन कोचिंग संस्थानों के पास से बड़ी मात्रा में कागजात बरामद किए गए हैं। इनकी जितनी आय कोचिंग से होती है उसके मुताबिक ये लोग आयकर नहीं देते हैं। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी या कच्चा रसीद बरामद हुई है। बिल बुक दो, किसी किसी संस्थान में तीन तक मिले हैं, जिनमें अलग अलग राशि जमा की गई है। इससे ये पता चला कि ये लोग एक बिल बुक या रसीद को दिखाकर आयकर देते हैं, जबकि अन्य के जरिए होने वाली आय छिपा लेते हैं। सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यम क्लास लेने पर इन्हें होने वाली जो इनकम होती है उसको भी ये नहीं दिखाते, और उसका भी जो टैक्स होता है और ये चुरा लेते हैं, जिसको लेकर के अब ये इनकम टैक्स के रडार पर आ गए हैं। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो कई लोगों का ये भी कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह से भी ये संचालक जो हैं वो केंद्र सरकार के रडार पर आ गए थे, और अब इनकम टैक्स के बहाने इनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि कई सारे कागजात भी बरामद किए गए हैं, तो क्या आगे निकल करके सामने आता है उससे भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IVTV। धन्यवाद।